तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक मोबाइल से रिएक्शन वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरी रिएक्शन वीडियो बना करके YouTube से कैसे अर्निंग करते हैं और Facebook से कैसे अर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए दो दो मोबाइल का ज़रूरत मतलब पड़ता है, एक से वीडियो शूट करना पड़ता है, एक में बताना पड़ता है। तो वो बिल्कुल गलत बता रहे थे। आज मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊँगा एंड एक मोबाइल से कैसे रिएक्शन वीडियो बना करके आप लोग भी यूट्यूब से लाखों रुपया अर्निंग कर सकते हो, फेसबुक से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक आसान ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे आप लोग भी रिएक्शन वीडियो बहुत ही आसान तरीके से एक ही मोबाइल से बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो को ले लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है कि कहां से आप लोग कोई भी वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हो। चाइनीज़ वीडियो हो गया, इंडियन वीडियो, कोई भी वीडियो हो उस पे आप लोग रिएक्शन देकर एंड आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो। तो मैं एक ही मोबाइल से शूट करने के लिए आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो ले लेना है, जिसको मतलब आप लोग जिसके ऊपर रिएक्शन देना चाहते हो उसे ले लेना है। एंड लेने के बाद आप लोगों को चले आना है प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। एंड यहाँ आने के बाद आप लोगों को सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। तो एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप लोगों को जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये एप्लीकेशन ओपन होगा एंड ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। एंड उसके जस्ट बगल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में मेरा कैमरा आ जाता है, मतलब कि जो साइड ऊपर में है मेरा रिएक्शन वाला कैमरा आ जाता है। तो ये इसी प्रकार से आप लोगों को कर लेना है एंड बीच में मतलब कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे मैं इसे यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटा हो जाता है एंड आप लोग देख सकते हो इससे कैमरा फ्लिप कर सकते हो। एंड उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है एंड उसके बाद कट का ऑप्शन है। तो आप लोगों को अब रिएक्शन कैसे देना है, अब आप लोगों को अपने जो भी मतलब आपने वीडियो को डाउनलोड किया है उसके पास चलना है। तो ये मेरा वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एंड यहाँ तक करने के बाद अब मेरा वीडियो यहाँ पे नीचे आ गया है एंड मेरा ओरिजिनल वीडियो ऊपर आ गया है। एंड उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना है एंड रिएक्शन देना है। तो मैं नीचे वाले वीडियो को प्ले करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं साउंड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, आप लोगों को साउंड को थोड़ा सा कम रखना है ताकि आप लोगों का जो ओरिजिनल साउंड रहे, मैं जो बोल रहा हूँ वो वाला साउंड रहे, वो आप लोगों का साउंड रहना चाहिए। एंड इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीडियो चल रहा है, रिएक्शन देना है। आप लोगों को पता ही होगा कि रिएक्शन वीडियो कैसा होता है, यूट्यूब के ऊपर आप लोग रिएक्शन वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को उसी प्रकार से रिएक्शन दे देना है। एंड यहाँ पे देने के बाद आप लोगों का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है मतलब चल रहा है उसी में आप लोगों का ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे कट कर देना है। एंड यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ एंड ये वाला ऑप्शन है ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये जो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो पॉज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो आप लोगों का अब वीडियो शूट हो गया एंड उसे यहाँ पे काइन मास्टर में जा करके एंड कुछ कट लगाना चाहो तो कट कर सकते हो। ये छोटा छोटा चीज़ है, मैं काइन मास्टर में जा करके एंड उतना अंदर तक जा करके नहीं बताऊँगा क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग मतलब कि यहाँ से कर सकते हो। प्ले स्टोर एप्लीकेशन में ये वाला काइन मास्टर एप्लीकेशन मिल जाता है, तो आप लोग उसे जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसके अंदर जाने के बाद आप लोग कुछ एडिटिंग कर लेना, थोड़ा छोटा छोटा एडिटिंग है आप लोग कर लेना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप भी एक मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और फिर यहाँ पे मतलब रिएक्शन वीडियो बना सकते हो। तो आप लोग भी इस प्रकार से बनाना स्टार्ट कर दीजिए एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।